लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी ने कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान गोरखपुर के NIC सभागार में उप कृषि निदेशक सहित विभाग के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव कृषि ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दिए जाने वाले धनराशि की समीक्षा की तथा कहा कि छूटे हुए किसानों का रजिस्ट्रेशन कराकर शासन की योजनाओं का लाभ दिया जाए। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव ने 5 जुलाई से होने वाले वृहद वृक्षारोपण अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि किसानों के सम्मान और उनके कृषि उपकरणों की पूरी व्यवस्था की जाए, जिससे उन्हें खरीफ की खेती में कोई दिक्कत ना होने पाए। उन्हें समय से खाद और बीज भी मुहैया कराया जाए, जिससे किसानों की आमदनी को दुगुना किया जा सके। डिप्टी डायरेक्टर आज 5% गांव अपना लेंगे, 5% गांव को दूसरे ब्लॉक के कर्मचारी को लगाएंगे, अपने जिला स्तरीय सभी अधिकारियों को लगाएंगे, गांव में जाएंगे, वेरिफिकेशन करेंगे लिस्ट का, जब तक लिस्ट निकाल लीजिए, प्रिंट आउट ले लीजिए, 100% उस गांव का वेरिफिकेशन करके जो रिपोर्ट देनी होगी उसको कंपाइल करके आप अगले वीक उसको अपलोड करेंगे फ्राइडे आज शाम तक, जिससे ये काम पिछले साल का पूरा हो। उसके बाद एक और दिन देंगे हम, जिसमें हम 10% का करवा देंगे। अब माननीय मंत्री जी के स्वागत करते हुए मैं जो मुख्य फर्स्ट बिंदु है वो है वृक्षारोपण का। वृक्षारोपण में माननीय मुख्यमंत्री जी की लेवल स्तर पर समीक्षा हुई थी और ये बात हुई थी कि इस योजना के अंतर्गत जो हमारा टारगेट है हमको 2,01,00,000 निकले पौधों को लगाने का है, इसको गंभीरता पूर्वक और ऐसे किया जाए कि इसका अधिक से अधिक लाभ हो। सबसे बड़ी बात यह है कि ये 3 तरह से बांटा किया जाएगा। सबसे पहला जो होगा इंस्टीट्यूशनल लेवल पे। इंस्टीट्यूशनल लेवल पे मतलब जो हमारे विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालयों के कृषि विज्ञान केंद्र है और हमारे जो सीड फॉर्म है, ज्यादातर जगह लैंड भी हमारे पास है, हम बाउंड्री के किनारे किनारे या मेड़ों पे खेत है उनके बीच में पौधे लगाएंगे। उस हिसाब से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पौधे मिलेंगे, पौधे आपको नियरेस्ट जगह पर उपलब्ध कराए जाएंगे। भारत केंद्र सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी अभी क्या कर रहे हैं, 4 तारीख को या 5 जुलाई को एक अभियान होगा जिसमें इसको एक साथ करना होगा। प्रभारी मंत्री मोदी शायद रहे वहां पे, बाकी जनप्रतिनिधि भी रहेंगे। इस योजना में कृषि विभाग की जो सहभागिता है वो अपेक्षा के अनुसार होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम इसमें हमें चाहेंगे कि एक और इशू इसमें है कि पौधे आप कई इस बात पर बहुत नाराजगी व्यक्त की गई थी एक आध जिलों में, जबकि आरक्षण कर रखा गया था वन विभाग द्वारा, उसमें यूकेलिप्टस के 50% पेड़ होती है, तो कृपया करके पेड़ ऐसे लें जिसकी उपयोगिता हो, खासतौर पे क्योंकि फलदार फलदार पौधे उद्यान विभाग देता है, लेकिन आपको जो आप जामुन इस तरह के पेड़ मिल सकते हैं, सहजन के पेड़ मिल सकते हैं, ये जो और ट्रेडिशनल